अगर आप देखेंगे जो 2020 एंड 21 में जो कोविड की वजह से एक लल रहा, उसको ओवरकम करने के लिए हमने कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। वी हैव डिक्लेयर्ड दिस ईयर एज ईयर ऑफ एकेडमिक एक्सेलेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस। इसके साथ साथ जो इनमें जो जुमूद आया था बच्चों में, जिसको हम इनर्शिया बोलते हैं, उस जुमूद को, उस इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए वी हैव स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ आर्मी, ये बैंड्स हमने शुरू किए ताकि कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो जाए और हम अपने आप को, अपने बच्चों को बिगर प्लेटफॉर्म पर लाएंगे और उनका एक्सपोजर हो जाएगा। और ये जो जुमूद है, लल है, उसको ओवरकम करना है और इनकी जो एक्टिविटीज़ है उनको बढ़ाना है, सो दैट दे आर एबल टू कम्पीट एट ए नेशनल एंड इवन एट इंटरनेशनल लेवल। ये हमारा जो 15 अगस्त का परेड होने वाला है, तो उसके लिए हम प्रैक्टिस कर रहे थे और हमने ये जो मतलब इंटर स्कूल कंपटीशन था, हमने इसमें हिस्सा लिया और हम उम्मीद करते हैं कि हम अच्छा करेंगे। अच्छा किया हमने, तो अब देखा जाएगा कि रिजल्ट क्या होगा। हमारा कंपटीशन था 15 अगस्त की, लाइक जो स्कूल सबसे ज़्यादा अच्छा करता वो 15 अगस्त के लिए सिलेक्ट होगा, और आई होप हमारा हुआ होगा। और हमने बहुत अच्छा किया, इन्हें भी बहुत मेहनत की। हम यहाँ ऑडियंस बन के आए अपने स्कूल को सपोर्ट करने के लिए, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने स्कूल को कि हमें इतना बड़ा मौका मिला इस इवेंट में आने के लिए। और हम अपने बैंड मास्टर को भी बहुत थैंकफुल है कि उन्होंने हमें ये मौका दिया, और उन्होंने बहुत मेहनत की हमारे साथ, और हमारे बच्चों ने भी बहुत मेहनत की है इस दिन को कामयाब बनाने के लिए। और हमें यही उम्मीद है कि हमारा बैंड जीतेगा इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे बैंड ने बहुत मेहनत की है और हमारा बहुत अच्छा गया है।